बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लासेस के मैथमेटिक्स डिस्कस कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ चैप्टर नंबर 3, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। लेट्स सी टुडेज टॉपिक एक्सरसाइज 3.5। 3.5 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देयर आर 416, 364 एंड 312 स्टूडेंट्स इन 3 क्लास रिस्पेक्टिवली, यानी कि 3 क्लास में जैसे सेक्शन होते हैं तो उनमें बच्चों की तादाद होती है। बसेस आर टू बी हायर टू टेक दी स्टूडेंट्स फॉर अ स्कूल ट्रिप। हमने क्या करना है, बसेस हायर करनी है स्कूल के ट्रिप को ले जाने के लिए। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन सिट इन अ बस इफ ईच बस कैरीज एन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वो कहते हैं कि आपने बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने जो है वो बच्चे एक बस में बिठाए जा सकते हैं अगर सेम नंबर ऑफ बस हम सेलेक्ट करें। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे, सॉल्यूशन में कैसे करना है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ 416, 364 एंड 312। हमने क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है, मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 416, 364 एंड 312, 416 को स्प्लिट करते हैं, इसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं। 2 2s आर 4, ये टू डिजिट सॉल्व कर रहे हैं तो इसलिए 0, 2 8s आर 16, 2 1s आर 2, 0 वैसे ही, 2 4s आर 8, 2 5s आर 10, 2 2s आर 4, 2 2s आर 4, 1 यहां से यहां शिफ्ट होगा, 2 6s आर 12, 2 1s आर 2, 2 3s आर 6, 13 1s आर 13। सिमिलरली 364 है, इसको इसके प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करें, 2 1s आर 2, 2 8s आर 16, 2 2s आर 4, 2 9s आर 18, 2 1s आर 2, 7 1s आर 7, उसके बाद 7 यूज हो जाएंगे, 3 यहां से यहां शिफ्ट होंगे, 2 यहां से, तो 7 3s आर 21, 13 1s आर 13, तो 2 है 3 12 को करें, 2 1s आर 2, 1 यहां से यहां शिफ्ट होगा, 2 5s आर 10, 2 6s आर 12, 2 7s आर 14, 1 यहां से यहां शिफ्ट होगा, 16 बन जाएगा, 2 8s आर 16, 2 3s आर 6, 2 9s आर 18, 3 1s आर 3, 3 3s आर 9, 13 1s आर 13। अब फैक्टर्स ऑफ 416 फैक्टर्स राइट करें, फिर फैक्टर्स ऑफ 364 फैक्टर्स राइट करें इसके सामने, फैक्टर्स ऑफ 312, 312 के सामने उसके फैक्टर्स राइट करें। आप कॉमन आगे क्या करना है, कॉमन जो आए तीनों में वो वैल्यूज को आप हाईलाइट करें, 2 को सर्कल करें, फिर ये 2 आ रहा है इसको सर्कल करें, 13 आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13, 2 2s आर 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 52, यानी कि टोटल एक बस में 52 स्टूडेंट्स बैठेंगे, तो वो इक्वल जो है वो बच्चों की डिवीजन और बसेस की पॉसिबल हो सकेगी। ऑलराइट स्टूडेंट, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। 3 लाइट हाउसेस फ्लैश देयर लाइट एवरी 16 सेकंड, 24 सेकंड एंड 40 सेकंड रिस्पेक्टिवली, के जो है 3 लाइट हाउसेस है उनमें से क्या लाइट इतने सेकंड बाद जो है वो आ रही है। इफ दे फ्लैश टुगेदर एट 2 पीएम एट व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट फ्लैश टुगेदर। अगर वो क्या करते हैं, वो सारे मिलकर एक यानी कि 2 पीएम यानी 2 बजे, दिन के 2 बजे वो लाइट जो है वो फ्लैश करते हैं, मतलब नेक्स्ट फ्लैश करने का लाइट का टाइम बताना है आपको। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, 16, 24 एंड 40 इसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे जैसे हमने अभी डिस्कस किया है, फिर उनके सामने से फैक्टर्स राइट करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 16, फैक्टर्स ऑफ 24 एंड फैक्टर्स ऑफ 40। 60 के फैक्टर्स उसके सामने लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 24 के फैक्टर्स राइट करेंगे जितने इसके लिए फैक्टर बनेंगे, मैथड सेम है प्राइम फैक्टराइजेशन का। 40 के फैक्टर्स राइट करने हैं, इनको आपने हाईलाइट करना है जो कॉमन आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8 हो जाएगा। टाइम टू गेट नेक्स्ट फ्लैश यानी कि हमें अगले जो जमा है उसके लिए जो टाइम बताना है, तो ये 8 जो है ये टोटल टाइम आया था 8 PM, 8 PM में से जो आपको टाइम मिलेगा उसको सब्ट्रैक्ट करें तो 6 PM यानी कि जो नेक्स्ट लाइट जो है वो तकरीबन रात के 6 बजे या शाम के 6 बजे जो है वो नेक्स्ट लाइट जो है वो आएगी उस हाउस से। तो ये जो है आपका लेक्चर और आपकी एक्सरसाइज कम्प्लीट हो गई है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।